अगर CSIR नवंबर का पेपर बुरा हुआ तो अब क्या करना है। हे गाइज, माय नेम इज वीरेन सिंह, वेलकम टू द ई लर्नम। आप जुड़े हुए इस यूट्यूब चैनल के साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपका CSIR नवंबर का पेपर बुरा हुआ तो क्या करना है, देखने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, उन्हीं पे कुछ टिप्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला टिप, दैट मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप अपने पास से मूव ऑन कर जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए जैसे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप और CSIR का पेपर खराब होना, दोनों चीज़ें एक रिलेटेबल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा नॉर्मली अपने आप को बचा पाएंगे, अपने चीज़ों को सेव कर पाएंगे, जितना जल्दी अपने पास से मूव कर पाएंगे उतना ही बेटर होगा। जो दूसरी टिप है वो है, डोंट रिपीट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक अगेन। जो मिस्टेक आपने पिछली बार किया वो गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। अगर आप वही गलती बार बार दोहराएंगे तो आप कभी भी रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर आप फिर से CSIR को टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो गलतियां आपने करी हैं उन गलतियों को लिस्ट आउट करिए और प्रॉमिस करिए खुद से कि आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, उस पर वर्क करिए। The third point, that learn from the mistake। अपने गलतियों से सीखिए। जो भी गलतियां आपने करी है ना, वो सिर्फ दोहरानी नहीं है, उनसे सीखना भी है कि वो गलतियां क्यों करी है। क्योंकि जब एक ब्रेकअप होता था ना, तो हम सीखते हैं कि यार इसे ऐसा काम नहीं करना, वैसा काम नहीं करना, ऐसा दोबारा रिपीट नहीं करना। सेम एग्जैक्टली विथ CSIR की, अगर वो नॉर्मली जो होता है ना, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहेंगे, उससे सीखेंगे नहीं, तो आप डेफिनेट सी बात है कि आप क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट को भी उसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे, फेलियर 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 फेलियर। फोर्थ पॉइंट, दैट फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट रैदर देन फोकसिंग कि उसने ऐसा किया वैसा हुआ, ये प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम हुई, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अपने प्रॉब्लम, अपने चीज़ों का फोकस अपने अंदर लेके आइए, बिकॉज जिस दिन आप अपने अंदर अपने चीज़ों को फोकस करेंगे वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक लाइन बोली जाती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा आपने मुझसे बुरा न खो। तो एग्जैक्टली कि ये बुराई की बात नहीं है, बट वो मिस्टेक्स रैदर देन दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने के बजाय खुद को सोचिए कि आपसे क्या गलती हुई। क्योंकि अगर किसी एक कोचिंग की गलती होती, किसी एक कोचिंग से पढ़ने वाले, अगर किसी को ये कोचिंग खराब होती तो उससे पढ़ने सारे बच्चे या तो क्वालिफाई होते या तो नहीं होती। अगर वो अच्छा होता तो सारे क्वालिफाई होते, और अगर वो बुरा होता तो सारे डिसक्वालीफाई होते। कोचिंग, कोई एजुकेटर, कोई भी प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा होता है अपने मेहनत के साथ। ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एजुकेटर के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अपने कोचिंग के साथ वो किस तरीके से साथ निभा रहा है, किस तरीके से म्यूचुअल मेहनत कर रहा है। कई लोग जो होते हैं म्यूचुअल करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, कई लोग वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट की बजाय किसी एजुकेटर को कहना, किसी भी कोचिंग को करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहना, ये एक गलत टास्क होता है। इससे आपका कुछ भला नहीं होगा, आप सिर्फ सिंपथी गेन कर पाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चीज बता चुका हूं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, दैट मेक अ न्यू प्लान। एक नई स्ट्रेटजी बनाइए, एक नया प्लान बनाइए। अगर जिस प्रोसीजर से आपकी चाय जो बार बार बन रही है वो खराब हो रही है, तो आप चाय बनाने की स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, आपका चाय का टेस्ट बढ़ जाएगा। जिस रास्ते पे चल के बार बार आपको एक ही दुकान मिल रही है, आप रास्ता बदलिए, दुकान अलग हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली कि मंजिल जो है वो गलत नहीं है, आपका गोल गलत नहीं है, मे बी आपका रास्ता गलत है। अपनी प्लान को, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करिए, अपने रास्ते को चेंज करिए, थोड़ा सा निकालिए उस चीज़ को कि ये चीज़ मेरे अंदर है, मैं सही से चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है मुझसे, यहाँ पे हो रहा है, मैं अपने ड्रीम्स को, अपने होप्स को, अपने जो सपने हैं, अपना गोल है, वो मेरे प्रॉब्लम से ज़्यादा छोटा है, मैं अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज़्यादा देता हूँ रेदर देन ड्रीम्स। इन चीज़ों को लिस्ट आउट करिए और प्लान बनाइए कि क्या क्या आपको नेक्स्ट 6 महीने में करने हैं। ये प्लान अगर अभी से आप शुरू करेंगे तभी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रातों रात कोई घुट्टी नहीं आती जो आपको पिला दिया जाए और CSIR आपका निकल जाए, कोई भी एग्जाम आपका निकल जाए। तो अब मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि मेक ए प्लान, सोचिए, आराम से कूल होके एक हफ्ता लीजिए, बैठिए, काम होइए अपने आप को और समझिए कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है और मैं कैसे फोड़ सकता हूँ, उसके बाद ही आप कुछ कर पाए। दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी लॉयल टू योरसेल्फ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं और अपने फैमिली वाले को भी धोखा दे रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि
कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ. इनसाइड एवरी पर्सन नोस एवरीथिंग अबाउट देम कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ. मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ यार, मैं दिन रात उसके साथ चैट कर रहा था, रात में पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसके साथ लड़ाई किया, ये किया. ज़्यादातर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम इसी भतेरे तरीके के होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, घूम रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. और अल्टीमेटली क्या होता है, सर मैंने मेहनत तो करी थी लेकिन हो नहीं पाया, तो ये तो झूठ बोल रहा हुआ खुद से, किसी और से नहीं, खुद से. सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपने आप से लॉयल हो गए, किसी और से नहीं होना दुनिया में, लेकिन अपने आप से होना है. मैं कितना मेहनत करता हूँ ये मुझे पता है, कैसा मेहनत करता हूँ ये भी पता है. अगर ये आपको पता है और ये आप अपने आप से सच बोलते हैं कि यार भाई आज तूने पढ़ाई नहीं करी, आज तुझे पढ़ना है, जिस दिन आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर दिए उस दिन से आपका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा. बी लॉयल टू योर सेल्फ, नो एक्सक्यूज फॉर द फेलियर. अक्सर क्या करते हैं कि हम फेल होने के बाद एक्सक्यूजेस निकालना शुरू करते हैं कि ये वजह थी, वो वजह थी, वो वजह थी, वो वजह थी, लेकिन कभी भी फोकस नहीं करते व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि जो हुआ तो हुआ, अब क्या करना है. रादर देन फोकसिंग ऑन द एक्सक्यूजेस, फोकस ऑन द सॉल्यूशन और द रीजन. कोई भी काम करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रीजन क्या है, जो हो गया वो हुआ क्यों था, इसके बारे में डिस्कस करने की बजाय उसको दोबारा अब कैसे करना है कि वो पॉसिबल हो जाए, इस पे फोकस करिए. एक्सक्यूजेस देना बंद करिए. जो हो चुका है वो बदला तो नहीं जा सकता आपके एक्सक्यूजेस से, लेकिन अभी अगर आपने कोई रीजन ढूंढा, कोई सोल्यूशन ढूंढा कि कैसे उस चीज को दोबारा करके मैं हैपन कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड. अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा एटीट्यूड नहीं है जो आप तुरंत हताश हो जाते हो, हार जाते हो, अब नहीं होगा, नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुश्किल है, कुछ ना कुछ आपको और एफर्ट करना है. अपने आप से बोलिए कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सक्सेस के पीछे ढेर सारे फेलियर्स होते हैं. और ऑब्वियस ही बात है यार कि जब आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाती है तो उसका मजा नहीं आता. जब आप एक दो बार एफर्ट करते हो, फेल होते हो, उसके बाद वहां पे पहुंचते हो ना, तो आपको रियल वैल्यू पता होती है कि उस पर्टिकुलर एफर्ट की, उस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है. एंड वो तभी पहुंच पाओगे जब आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे. एक लाइन मैंने पढ़ी थी जो बहुत अच्छी लाइन थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो लाइन कुछ इस तरीके से थी कि कोई इंसान तब नहीं जीतता जो वो कितनी बार वो तब नहीं जीतता कि वो कितनी बार प्रयास करता है, या कितनी बार नॉर्मली जो होता है कि कोई इंसान तब नहीं जीतता कि वो कितनी बार हारता है. कोई इंसान तब जीतता है कि जितनी बार भी हारे उससे एक बार ज्यादा उससे हारने के बाद उठने की क्षमता है उस इंसान के अंदर. जो भी इंसान जीतता है, जो भी इंसान कामयाब होता है, जो भी इंसान काबिल बन के कामयाब होता है, वो इंसान हारने के बाद अगर वो 100 बार हारेगा तो उसे 101 बार उठने की हिम्मत होती है. इसी वजह से वो जीत पाता है, इसी वजह से वो आगे बढ़ पाता है. तो जस्ट डू नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड बी हैप्पी एंड फोकस ऑन द योर नेक्स्ट टारगेट. अपने नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करिए और डेफिनेटली अच्छा करिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. ऑल द बेस्ट. इफ योर ड्रीम इज टू क्लियर द CSIR नेट लाइफ साइंस, आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4-year एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच. आई विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल द 13 यूनिट्स. माय कोर्सेज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट हैक्स एंड द स्टैंडर्ड बुक्स. आई एम विरेन सिंह. ज्वाइन मी एंड माय बैच एंड इंडिविजुअल कोर्सेज ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड क्रैक द CSIR कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली. यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन Life to get the 10% discount. Let's crack it.